खबर डूंगरपुर से है, जहां 5 महीने पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक भरत भूषण पांड्या ने बताया कि आरोपी नाबालिग बच्ची को जबरन बाइक पर बिठाकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके चलते आरोपी कमलेश पाटीदार को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये दिसंबर 2018 में सदर थाने में एक 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बेरहमी से बलात्कार हुआ था, जिसको उस पीड़िता को कम से कम 10 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रखा था। उसके बाद आज विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो अदालत ने, सिंगल साहब की अदालत ने, जो आरोपी है कमलेश पाटीदार, उसको आजीवन में भी शेष प्राकृत जीवन तक उसको अंदर रखने